इट्स मनोज सरू एंड यू नो व्हाट टाइम इट इज बेस्ट स्मार्टफोन टाइम। इतने सारे फोन, सब कंफ्यूज हो कौन सा फोन ले। तुम्हें कैसे पता चला? अरे मुझे सब पता है, कौन सा फोन लूं, कौन सा ना लूं, किसी को कैमरा चाहिए, किसी को परफॉर्मेंस चाहिए। और कुछ पीरो यूजर्स होते हैं हमारी तरह, उनके लिए अलग, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए। मार्केट में इतने सारे फोन हैं कि आप कंफ्यूजिया जाते हो। तो ये कंफ्यूजन कौन दूर करेगा? ऑफ कोर्स मैं करूंगा, और कौन करेगा। इतने सारे फोन देख के तो मैं आपको कुछ ऐसे 6-7 फोन बताने वाला हूं अंडर 20,000 रुपीज में। तभी टॉप ब्रांड है, हर ब्रांड का एक फोन बताऊंगा, उसके प्रोस कॉन्स सब बताऊंगा, ताकि आप अपने जरूरत के हिसाब से एक बढ़िया फोन बाय कर सको। ये बहुत सारे फोन है, तो सबसे पहला फोन निकालते हैं। ओ हो, ये फोन है, देखो पता ही चल गया होगा कौन सा फोन है। ओके, ये फोन उन लोगों के लिए जिनका बजट 16-17 हज़ार के आसपास है, और जिनको Xiaomi के फोन पसंद है, मतलब Redmi के फोन ऑलरेडी पहले यूज कर रखा, और एक Redmi का फोन देख रहे हो अंडर 20,000 रुपीज में। ये फोन है Redmi Note 12 5G, अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था, बिल्कुल नया है। इसके फीचर्स की बात करूं तो सुपर AMOLED डिस्प्ले है 120Hz, Snapdragon 4 Gen 1, इसमें 48 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा है, 48 मेगापिक्सल मेन, 17999 इसकी प्राइस पॉइंट है, और इस प्राइस पॉइंट पे आपको एक अच्छा डिस्प्ले मिल जाता है, सुपर AMOLED डिस्प्ले विद फास्ट रिफ्रेश रेट, एक गुड परफॉर्मेंस मिल जाती है, डिसेंट कैमरा मिल जाता है, बिग बैटरी है, फास्ट चार्जर है, ऐसा कोई मेजर कौन तो नहीं है इस फोन में। हाँ, वही एक पॉलीकार्बोनेट बैक है, और बाकी वो 2-2 मेगापिक्सल का। और जिन लोगों को Xiaomi का फोन चाहिए अंडर 20,000 रुपीज में, वो इस फोन को चेकआउट कर सकते हो भाई। दूसरा फोन निकालते हैं। कैसे फोन आ जाते हैं। ओके, सो ये है रियलमी की तरफ से, ये रियलमी के नार्जो सीरीज का फोन है। यूजली अगर देखा जाए तो रियलमी के नंबर सीरीज काफी पॉपुलर होते हैं, ये जो नार्जो सीरीज है कहीं बीच में छुप जाता है। ये जो फोन है रियलमी नार्जो 50 प्रो, भाई सही में ये फोन प्रो है। इन अभी बहुत सारे नए फोन आ गए हैं, रियलमी 10 प्रो, अंडर 20,000 रुपीज में रियलमी के बहुत सारे फोन है, बट ये मुझे थोड़ा सा खास लगता है। 17999 इसकी प्राइस है, 90Hz सुपर AMOLED इसमें डिस्प्ले है, 48 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा, 16 मेगापिक्सल सेल्फी, MediaTek Dimensity 925G चिप है, 5000mAh बैटरी, फास्ट चार्जर। सो इस प्राइस पॉइंट का अगर कंसीडर करते हैं तो जो इसमें डिस्प्ले है हाई रिफ्रेश रेट के साथ, सुपर AMOLED है, परफॉर्मेंस अच्छी है, MediaTek Dimensity 925G चिप अंडर 20,000 रुपीज में एक काफी अच्छा प्रोसेसर कह सकते हो, गेमिंग कर सकते हो अच्छी खासी, अच्छी डिस्प्ले के साथ आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस मिल जाती है। अगर मैं कमियों की बात करूं तो हाँ, इसमें SD कार्ड सपोर्ट नहीं है, तो मेमोरी कार्ड अलग से आप डालना चाहते हो वो नहीं डाल सकते हो, और बाकी इसका जो कैमरा है वो डिसेंट है। वैसे अगर आपको Realme का लेटेस्ट फोन चाहिए Realme 10 Pro 5G, उसे भी आप चेकआउट कर सकते हो अंडर 20,000 रुपीज आपको मिल जाएगा। और भाई उसका जो डिस्प्ले है, उसका जो लुक है, उसका जो इनहांस फील है, आपकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा प्रायोरिटी नहीं है, आप उस फोन को चेकआउट कर सकते हो। आपको नहीं लगता आप कुछ भूल रहे हो? याद करो, कुछ तो भूल रहे हो आप। नीचे दिख रहा है वो लाइक बटन, अभी तक नहीं दबाया ना? वेरी गुड। वीवो की तरफ से अंडर 20,000 रुपीज में, असंभव, ये संभव हुआ है। आप बोलोगे अंडर 20,000 रुपीज में वीवो के बेस्ट फोन? वीवो लवर्स के लिए, जिनको सिर्फ वीवो का पसंद है फोन, भैया वीवो का टी सीरीज का ज्यादा नाम ना लो, कॉपीराइट मार देता भाई, नाम पे भी कॉपीराइट मार देता है। जनरली वीवो के जो फोन होते हैं वो थोड़े से प्रीमियम प्राइस पे आते हैं, थोड़े से महंगे होते हैं। ये जो टी सीरीज स्मार्टफोन है ना, वीवो इसे काफी सही प्राइस पे लॉन्च करता है। इसमें आपको स्नैपड्रैगन 778 5G चिप मिलता है, 64 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा है, 16 मेगापिक्सल सेल्फी, फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले, 4700mAh बैटरी। इसकी जो प्राइस है वो 23999 है, बट ये ऑफर में या फिर कार्ड वार्ड लगा के आपको 20,000 के आसपास मिल जाता है। और इस प्राइस पॉइंट पे जिनको वीवो का फोन चाहिए उनके लिए काफी अच्छा हो सकता है। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, स्नैपड्रैगन 778G 5G, कैमरा भी अच्छा है। आपको बताइए वीवो के जो जनरली कैमरा होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं। हाँ, बस एक ही कमी है, वो है वाटर ड्रॉप नॉच। और एक और चीज भाई, इसमें कोई गड्ढा नहीं है, जिंदगी में भी गड्ढा है, करियर में भी गड्ढा है, और आगे जाके भी हमें गड्ढा ही मिलेगा, लेकिन फोन में गड्ढा नहीं है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। ओके, नेक्स्ट फोन देखते हैं। ये फोन उन लोगों के लिए जो लोग बोलते हैं ये मेरा सैमसंग का नंबर है, जिनको सिर्फ सैमसंग का पसंद है भाई। ये फोन है सैमसंग A14 5G, इसकी MRP 16499 है, ऑफर लगा के आपको ये 14499 मिल जाएगा, मतलब अंडर 15,000 रुपीज में। इसमें 120Hz IPS पैनल डिस्प्ले है, Exynos 1330 है, 50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा है, 7 5G बैंड से, 5000mAh बैटरी है। अगर मैं इसके प्रोस की बात करूं तो बैक साइड से जो इसका रियर बैक है वो देखने में काफी अच्छा स्टाइलिश लगता है, उसका कैमरा अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छी है फोन में। अगर मैं कॉन्स की बात करूं, इसमें वाटर ड्रॉप नॉच है, डिस्प्ले AMOLED नहीं है, IPS पैनल है। ये फोन उन लोगों के लिए जिनको सैमसंग का एक ट्रू 5G फोन चाहिए, जिनको 5G यूज करना है और एक प्रीमियम लुकिंग डिजाइन वाला फोन चाहिए। अरे मोटरोला भाई साहब कहाँ हो? ओह अच्छा आ गए। ये मोटो का G82 5G अपने आप में एक ऑलराउंडर 5G फोन है, जिनको एकदम क्लीन पसंद है, एकदम क्लीन मेरे दाढ़ी की तरह, मेरा कहने का मतलब स्टॉक एंड्रॉइड पसंद है, एकदम क्लीन चाहिए। और इस प्राइस पॉइंट पे आपको P OLED 120Hz के साथ मिलता है, 50 मेगापिक्सल OIS कैमरा, Snapdragon 695 5G चिप, 5000mAh बैटरी, 33W फास्ट चार्जर के साथ, 12 5G बैंड। इस फोन का जो मुझे डिस्प्ले है वो काफी अच्छा लगा। इस प्राइस पॉइंट पे आपको P OLED 120Hz डिस्प्ले मिलता है, कैमरा अच्छा है, OIS कैमरा है। एक और चीज, ये फोन काफी लाइट वेट भी फील होता है, ऑफ कोर्स स्टॉक एंड्रॉइड
एक्सपीरियंस। इस फोन के लेटेस्ट एमआरपी पे आपको चेक करनी है, व्यू प्रोडक्ट पे जाओ, आपको वहाँ पे प्राइस मिल जाएगा। नेक्स्ट फोन। अरे तुम्हारा ही नंबर है आईकू। भाई साहब आजकल आईकू मस्त काम कर रहा है भाई। परफॉर्मेंस के लिए ही मैं आपको ये फोन रेकमेंड कर रहा हूँ। फोन का नाम है आईकू Z6 Pro 5G। इसकी MRP 23999 है। कार्ड वार्ड लगा के ऑफर लगा के आप इसे 20,000 के आसपास बाई कर सकते हो। भाई इस प्राइस पॉइंट पे इसमें आपको 90Hz सुपर AMOLED डिस्प्ले मिलती है, स्नैपड्रैगन 778G 5G चिप, 64MP कैमरा, 4700mAh की बैटरी, 7 5G बैंड्स है। अगर मैं इसके प्रोस की बात करूं तो भाई स्नैपड्रैगन 778G 5G चिप है, कैमरा भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है। कौन सा ऐसा कोई मेजर कौन तो नहीं है, बट हाँ बैटरी थोड़ी सी कम है। दूसरे इसमें आपको वाटर ड्रॉप नॉच मिलता है, तो देखने में थोड़ा सा ओल्ड लगता है। आप एक परफॉर्मेंस यूजर हो तो परफॉर्मेंस के मामले भाई आईको हमेशा इंप्रेस करता है, और वो इंप्रेस ये फोन करेगा आपको। आखिरी फोन बचता है वो है भाई साहब ये, और वो फोन है पोको की तरफ से, पोको X5 Pro 5G। इसकी जो एक्चुअल MRP है वो 22999 है, बट भाई ऑफर लगा के ये आपको 20,000 में भी मिल जाएगा, और 20,000 में ये फोन बहुत तगड़ा बन जाता है भाई। उसके फीचर्स की बात करूं तो 108MP ट्रिपल कैमरा है, 16MP सेल्फी, स्नैपड्रैगन 778G 5G, FHD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले है, 5000mAh बैटरी, फास्ट चार्जर है, 7 5G बैंड्स है। और अगर मैं इसके प्लस पॉइंट की बात करूं तो भाई इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आप अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हो, डे टू डे लाइफ यूज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कैमरा अच्छा है, सुपर AMOLED डिस्प्ले है, बैटरी अच्छी है, फास्ट चार्जर है, स्टीरियो स्पीकर है, 3.5mm जैक है, मतलब ऑलमोस्ट वो सारी चीजें जो एक फोन में होनी चाहिए। एक तरीके से आप इसे ऑलराउंडर फोन बोल सकते हो उस प्राइस पॉइंट पे। हाँ ऐसा कोई मेजर कौन तो नहीं है, बट हाँ पॉलीकार्बोनेट बैक है, और बाकी SD कार्ड का सपोर्ट नहीं है। बाकी इसके अलावा फोन में वो सब कुछ है जो एक यूजर को चाहिए होता है, अच्छा कैमरा, एक अच्छी परफॉर्मेंस, एक अच्छा डिस्प्ले चाहिए, एक अच्छी बैटरी फास्ट चार्जर के साथ चाहिए, और पोको का फोन चाहिए वो लोग ये फोन चेकआउट कर सकते हो। वेट, अभी काम खत्म नहीं हुआ, मेरा काम खत्म हुआ, आपका नहीं हुआ। एक लाइक कर दो और नीचे कमेंट करके बताओ इन सब में आपका कौन सा फेवरेट है, वीडियो फैला दो। अब मिलता हूं मैं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।